नाउ स्टूडेंट्स एनसीआर ट्जाम्पलर क्लास एट डेटा हैंडलिंग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवेंटीन के रीड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवेन बिलो एंड आंसर द फोलोइंग क्वेश्चन ओके अब अच्छो देखिए ये इंटरवल दिए और ये आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है ठीक है ना बहुत ईजी क्वेश्चन है आइए इसको हैंडल करते हैं चलिए यहाँ पे आइए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लास इंटरवल विच हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जाके देखिए यहां फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी का सम है ये फ्रीक्वेंसी का सम है इसको मत देखना है ना सबको ऐड करके तभी आ रहा है ट्वेंटी फाइव ठीक है इसको छोड़ दो आप यहाँ पे सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वन है नो जीरो है यहाँ पे देखिए बच्चों जीरो है ठीक सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है जीरो है जीरो से छोटा कोई नंबर नहीं है ठीक है सो क्लास इंटरवल विच हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है तो जीरो का क्लास इंटरवल क्या है 65 टू 75 ओके सो पार्ट वन का आंसर क्या हो गया 65 टू 75 ओके okay? स्टूडेंट्स इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट है पार्ट सेकंड कह रहा है क्लास इंटरवल विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओके तो बच्चों जाके देखिए यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है फ्रीक्वेंसी वाले टेबल फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में एट तो एट के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो क्या है सेवेंटी फाइव टू एट्टी फाइव ठीक तो पार्ट सेकंड का आंसर क्या हो गया कलर में चेंज करके लिख दे रहा हूँ पार्ट सेकंड का आंसर हो गया बच्चों आपका 75 टू ओके okay? अगर आप देखोगे तो नीचे भी लिखे हुए से आप देख सकते हो ठीक उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका पर पार्ट <coughs> कह रहा है कि व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द इंटरवल अब देखिए क्लास साइज कैसे निकालते हैं ठीक है स्टूडेंट्स क्लास साइज जिन बच्चों को नहीं पता है कैसे निकालते हैं क्लास साइज निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करना है अपर लिमिट अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट ठीक है स्टूडेंट्स कोई भी क्लास इंटरवल ले लीजिए और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये वाला क्लास इंटरवल ले लिया ठीक 25 फाइव टू थर्टी ओके स्टूडेंट्स अब ये जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा रहता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट ठीक और ये जो नंबर लिखा रहता है एंड में इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ओके स्टूडेंट्स ये हो गई अपर लिमिट ठीक चलिए अब हमको क्या करना है इस क्लास इंटरवल को ले लो किसी भी क्लास इंटरवल को आप ले सकते हो आंसर सेम आएगा ठीक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये देखिए अपर लिमिट कितनी है थर्टी है माइनस लोअर लिमिट कितनी है 25 35 थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी कितना होता है 10 होता है तो क्लास साइज कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है स्टोडेंट सो व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द इंटरवेल्स आंसर इज 10 इंटरवेल्स लिखा है इसीलिए उसने किसी भी इंटरवेल को लेके आप कर लो चाहे इसको ले लो 55 फाइव माइनस फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव माइनस फिफ्टी फाइव टेन एंड सो ऑन टू नाउ फोर्थ पार्ट वट द अपर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट क्या होगी तो बच्चों ये फर्स्ट क्लास है ये आपकी सेकेंड क्लास है ये वाली आपकी थर्ड क्लास है ये वाली आपकी फोर्थ क्लास है और ये रही आपकी फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्लास की क्या पूछिए उसने आपसे वॉट इज द अपर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट तो जाइए फिफ्थ क्लास में और ये रही फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट सेवेंटी फाइव ठीक सो सेवेंटी फाइव आ जाएगा इसका आंसर सेवेंटी फाइव इज द अपर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास फिर वट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास लास्ट क्लास की लोअर लिमिट कितनी लास्ट क्लास तो यही वाली आपकी इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है लास्ट क्लास के <coughs> आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट बतानी है ठीक है ना सो so, ये हो गई देखिए 85 फाइव इसकी लोअर लिमिट 95 फाइव अपर लिमिट तो आपको लोअर लिमिट बतानी है यानी कि 85. फाइव so, सो लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका एट्टी फाइव यहाँ पे भी आंसर लिखे हैं ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए